दर्शन की चौथी कड़ी में आपका स्वागत है। आज जिस जगह हम खड़े हैं यह भी महाभारत कालीन वो जगह है जहां पर युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने पाशुपात शस्त्र प्राप्त करने के लिए शिव आराधना की थी। और हम दिखा सकते हैं आपको सामने ये तस्वीर भी है, और इस जगह को जो है 11 रुद्री मंदिर कहा जाता है। 11 रुद्री के पौराणिक इतिहास की विस्तृत जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं डॉक्टर बीबी भारद्वाज के पास। ये जो कपिस्थल नगर है जिसे आधुनिक भाषा हम कैथल कहते हैं, इसमें महाभारत काल से संबंधित दो तीर्थ हैं, वृहद केदार और दूसरा 11 रुद्री। 11 रुद्री तीर्थ ये भगवान शिव के नाम पर है। एक्चुअली वास्तव में शिव पुराण जो है उसमें 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। तो जैसे संहिताएं कहते, जैसे हम कहते हैं चैप्टर भी, इस किताब के कितने चैप्टर हैं, है? जैसे हम कहते हैं भागवत पुराण है, अभी इसके 12 स्कंद हैं, 12 चैप्टर हैं, तो इसमें 7 संहिताएं हैं। तो इसमें एक संहिता जो है उस संहिता का नाम है रुद्र संहिता। ठीक, तो रुद्र संहिता में इस तीर्थ का वर्णन आता है। तो उस तीर्थ में रुद्र संहिता का 66वां जो अध्याय है, उस रुद्र संहिता के 66वें अध्याय में इस पूरे 11 रुद्र तीर्थ का वर्णन है कि भगवान रुद्र की, शिव की जो उपासना करता है उसे मनोवांछित जो फल प्राप्त होता है। और ऐसी मान्यता है, यानी कि शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आता है। हमारे एक नारायणगिरी जी हुए हैं, उन्होंने भी लिखा है अपने उसमें कि ऐसा, ये बाद में जो लेटर दूसरी महाभारत की लिखी गई है उसे भी आता है कि भी युद्ध से पहले, महाभारत के युद्ध से पहले, जब ये पांडव जो है ना दिव्य अस्त्रों के लिए जगह जगह पर इन्होंने पूजा अर्चना की थी, तो भगवान कृष्ण के आह्वान पर अर्जुन ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी। ये महाभारत के आदि पर्व में आता है। और उस तपस्या के बाद जो है अर्जुन के पास जो पाशुपति शास्त्र था वो भगवान शिव ने यहाँ पर उसे दिया इस स्थान पर। तो बाद में इस स्थान पर 11 तीर्थ के ऊपर एक छोटा सा शिवालय बनाया गया युद्ध के बाद, और यहाँ पर 11 रुद्रों की स्थापना की। भाद्रों का महीना, भाद्र के महीने कृष्ण पक्ष में, यानी कि कैथल में पहले नवग्रहों के स्नान होते थे कि जैसे सोमवार संडे को सूर्य कुंड पे जाते थे, सोमवार को चंदन कुंड पे जाते थे, मंगलवार को मंगल कुंड पे जाते थे, बुधवार को बुध कुंड पे, बृहस्पति कुंड, ये शुक्र कुंड जो है जिसे छज्जू कुंड कहते हैं हिंद सिनेमे के पास, राहु केतु कुंड है ऐसे। तो ऐसे फिर जो ये प्रदोष का व्रत जिस दिन आता है, आप समझते हैं, एक दिन शंकर जी का, तो उस दिन जो है 11 रुद्र तीर्थ के स्नान का महत्व था। और जो प्रदोष के व्रत को यहाँ पर स्नान करता है, रात्रि को यहाँ पर जागरण करता है, भगवान शिव की उपासना करता है, ऐसा रुद्र संहिता में लिखा है। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ये वाल्मीकि रामायण के 14वें अध्याय में 14वां श्लोक है कि एक रात्रि यहाँ पर रुकने से, अगले दिन स्नान करने से, भगवान शिव का ध्यान करने से हर व्यक्ति को अपना मनोवांछित वर प्राप्त होता है। ये आदि ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा है। कपियों की भूमि कपिस्थल यानी कैथल की इतिहास की जानकारी के लिए इतिहासकारों के साथ साथ मंदिर के पुजारी मुनेंद्र मिश्रा से भी जानते हैं कि क्या है मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं और कहानियां। श्री 11 रुद्री शिव मंदिर महाभारत कालीन मंदिर है। यहाँ पर जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में बहुत सारी सेनाएं और कौरव लोग मारे गए थे, तो पांडवों को बड़ा दुख हुआ कि हमने अपने भाइयों को
ताऊ चाचाओं को सबको मार दिया। इस पर भगवान कृष्ण से उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये पाप हमारा कैसे दूर होगा? तो भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि कपिस्थल में ये जो युद्ध भूमि जो यहाँ पर युद्ध हुआ था महाभारत का, तो ये जो कैथल है तो बीच सेंटर का स्थान है, इसीलिए इसका नाम पहले के समय में कपिस्थल बोलते थे, लेकिन अब कैथल हो गया है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर 11 रुद्रों के रूप में भगवान शिव की जो है तो स्थापना किए थे अपने हाथों के द्वारा, और पांडवों के हाथों से उनका भगवान भोलेनाथ का पूजन करवाए थे, रुद्राभिषेक करवाए थे, तब जाके उनके मन को शांति मिली हुई थी। 40 साल पहले हमारे पिताजी यहाँ पर जो है तो पुजारी थे और आज भी हैं, और उस समय जो है तो भगवान शेषनाग जो है तो शिवलिंग के ऊपर आकर के बैठ जाते थे, तो सारे भगत डर के मारे अंदर नहीं जा पाते थे, बाहर से ही जो है तो पूजन अर्चन कर लेते थे, दर्शन कर लेते थे भगवान का। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा चलता रहा, फिर एक काशी विश्वनाथ से महात्मा जी आए थे, तो हमारे पिताजी से बोले कि पुजारी जी, आप भोलेनाथ का दोपहर के बाद फूलों के द्वारा श्रृंगार कराया करें तो शेषनाग देवता फिर नहीं दिखाई देंगे। तब से यहाँ पर 12 बजे तक दोपहर तक जो है तो जल चढ़ता है, इसके बाद भगवान का भोग प्रसाद लगता है, इसके बाद मंदिर शयन करा दिया जाता है, फिर 4 बजे दोबारा मंदिर खोला जाता है और फूलों के साथ भगवान श्री 11 रुद्रों का भव्य श्रृंगार किया जाता है, तब से शेषनाग देवता यहाँ पर नहीं आते हैं। तो आपने देखा किस तरह से इतिहासकार जो हमारे भारद्वाज जी हैं उन्होंने बताया कि 11 रुद्रों की स्थापना जो है युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए की थी, और विस्तार पूर्वक जो है भारद्वाज जी ने आपको बताया कि उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने बेहद कठिन तपस्या भी यहाँ पर की थी और इस 11 रुद्री मंदिर का पूर्ण निर्माण किया था। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक चौहान के साथ मैं शशि राणा, राष्ट्रीय खबर।